एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं वापस से आ गई हूँ सरोजनी नगर का पार्ट टू लेकर। लाइक इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया था एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि मैं ना पार्ट टू लेकर आऊँगी, बिकॉज इतना सारा सामान लेकर आई हूँ ना सरोजनी नगर से कि मुझे दूसरा पार्ट बनाना ही था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बॉटम्स एंड थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? कम विद मी। वीडियो और स्टार्ट करते हैं मेरे पहले आइटम से, विच इज ज्वेलरी। मैं ये ज्वेलरी पार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज इस बारी मैं ज्वेलरी ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ, बहुत कम मैंने ज्वेलरी उठाई है, बिकॉज सरोजनी नगर से मैं ऑलरेडी बहुत ज्वेलरी लेकर आ चुकी हूँ। सो दिस टाइम कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। सो दिस इज़ माई फर्स्ट चोकर, मैं वहाँ से ये चोकर लेकर आई हूँ इस बारी। इस टाइप का चोकर मेरे पास है नहीं, आई हैव लॉट ऑफ चोकर्स बट इस स्टाइल में मेरे पास कोई भी चोकर नहीं है। तो ये चोकर मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ओनली ऑन 100 rupees एंड इट लुक्स रियली नाइस। इफ़ यू सी इट लुक्स रियली गुड। आजकल चोकर्स आप किसी भी यू नो स्टाइल के साथ कैरी कर सकते हैं, वेस्टर्न हो इंडियन हो, यू कैन वेयर इट ऑन एनी थिंग। सो येस दिस इज़ माई फर्स्ट आइटम विच इज़ अ चोकर एंड इसके साथ मैंने इयर रिंग्स नहीं लिए थे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ इयर रिंग्स। सो येस दिस इज़ द फर्स्ट चोकर ओनली ऑन 100 rupees। सो आई थिंक 100 rupees वर्थ है फॉर दिस चोकर। माई दूसरा आइटम इज़ ऑल्सो नेक पीस। सो दिस इज़ द सेकेंड नेक पीस जो मैंने वहाँ से लिया है। इसका ना एक झुमका निकल भी गया है, वो मैं अभी लगा दूंगी, बट येस दिस इज़ द सेकेंड पीस जो मैंने वहाँ से लिया। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, आप देखें तो लॉन्ग नेक पीस है, बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ ऑल्सो ऑन 100 rupees। इसको भी आप किसी भी वेस्टर्न वियर या यू नो इंडियन वियर के साथ, किसी भी प्लेन कुर्ती या शर्ट के साथ आप स्टाइल कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो येस दिस इज़ माई सेकेंड आइटम फ्रॉम सरोजनी नगर विच इज़ सो कूल, मुझे बहुत पसंद आया था ये और मैंने ले लिया, बिकॉज सिल्वर ज्वेलरी से ना मेरा अलग ही प्यार है, मुझे बहुत पसंद है सिल्वर ज्वेलरी, इसलिए मैंने ये ले लिया। नाउ माई सेकेंड आइटम इज़ ऑल्सो अ नेक पीस और ये बहुत डिफरेंट नेक पीस है, मुझे इतना पसंद आया था ना ये नेक पीस, लुक एट दिस नेक पीस। आप खुद बोलोगे यार व्हाट इज़ दिस यार, लुक एट दिस, मोर पंख बना है, बांसुरी बनी है और आप देख रहे हैं ये इस तरीके का नेक पीस है। और मुझे इसके साथ ये दो इयररिंग्स भी मिले थे, लाइक ये पूरा सेट था, दिस इज़ अ फुल सेट एंड ये मुझे मिला था 200 rupees में। लाइक आई लव दिस नेक पीस यार, लुक एट द ब्यूटी, कितना डिफरेंट नेक पीस है, मतलब ये काना के हाथ बने हैं, झुमके हैं, मैंने ऐसा पीस नहीं देखा था, पहली बारी में मेरी नज़र पड़ी थी एंड मैंने ले लिया बिना कुछ सोचे समझे, आई रियली लव्ड इट। लास्ट ज्वेलरी आइटम में मेरा ये लास्ट है विच आर दीज इयररिंग्स, इसमें फेस्टा लिखा है एंड दिस इज सो कलरफुल, आप देखो सो गुड सो नाइस सो कलरफुल इयररिंग्स एंड ये मुझे 80 rupees में मिले थे। कैन यू बिलीव दैट 80 rupees में इयररिंग्स, मुझे ना ये बहुत पसंद आ गए थे एक ही बारी में और 80 rupees यार क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ सो लाइट वेट और यू नो हैवी इयररिंग्स पहन के आपके कान भी दर्द होते हैं बट आपको ये पहन के लगेगा भी नहीं कि यार आपने कुछ कानों में पहना है, सो डिफरेंट एंड सो लाइट वेट। और ये हमारा ज्वेलरी वाला जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया, बहुत ही कम मैं वहाँ से ज्वेलरी लेकर आई थी। तो येस नाउ बॉटम्स में हम आ जाते हैं, माई फेवरेट पार्ट एंड मेरा पहला बॉटम है इज दिस चेक पैंट्स। दिस इज़ द पैंट्स, ये चेक्स में है एंड इसके फ्रंट में इस तरीके का यू नो उन्होंने नाड़ा दिया है, वी कैन से इट नाड़ा, लाइक आप लूज टाइट दोनों कर सकते हैं एंड ऑल्सो इसमें जिप भी है एंड बटन भी है। और ये भी ओल्ड नेवी का पैंट है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओल्ड नेवी एंड इट इज़ सो नाइस, बहुत स्ट्रेचेबल पैंट है, इट इज़ अ फुल लेंथ पैंट, पीछे लाइक पॉकेट स्टाइल में इन्होंने दो डिज़ाइंस दिए हैं बट पॉकेट्स है नहीं एंड फ्रंट में इट हैज़ लाइक टू पॉकेट्स। तो येस ये पैंट मैंने वहाँ से लिया था ओनली ऑन 200 rupees, लाइक
मैं ना बड़ी खुश हो जाती हूँ जब मेरे को 200-300 रुपए में वो भी सरोजनगर से चीज़ें मिलती है ना, वो भी बहुत डिफरेंट। लाइक ऐसी पैंट्स ना अगर आप ब्रांड्स में लेने जाओ तो आपको 2,000-2,500 से कम की नहीं मिलेंगी, बट वहाँ पे मुझे ये पैंट 200 रुपए में मिली है। एंड ओल्ड नेवी की पैंट्स तो वैसे ही 3,000-4,000 या 5,000 की आती हैं, बट वहाँ से मुझे मिली है 200 रुपीज़ में। लुक एट दिस पैंट। तो मेरा सेकेंड आइटम इज अ शॉर्ट्स, दिस शॉर्ट्स। तो ये मैंगो की शॉर्ट्स है एंड दिस इज़ इन लेदर एंड इट इज़ सो नाइस, सो कूल। जैसे मैंने ये देखा ना, मुझे लगा नहीं यार मेरे को ये लेना है, बिकॉज ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं वापस से, और ये एक एक पीस ही रखे रहते हैं। अगर आपकी नज़र पड़ गई तो आपने ले लिया, अदरवाइज योर हार्ड लक। तो येस, एंड इट हैज़ टू पॉकेट्स इन द बैक, दो पॉकेट्स है इसकी बैक में इस तरीके से, एंड फ्रंट में इसका जिप है एंड ऑल्सो दिस बटन। सो येस, दिस इज़ द शॉर्ट्स, और ये भी मुझे 200 रुपये में मिला है। मतलब यार 200 रुपये खर्च करके ना बड़ी खुशी होती है जब आपकी बड़ी पसंद वाली चीज़ आ जाती है। ये मेरे को थोड़ा सा, ये मेरे को थोड़ा नहीं काफ़ी लूज़ है, बट मेरे को फिर भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मैं इसको अल्टा वल्टा करवा के टाइट वेट करवा लूँगी, बट स्टिल मतलब मेरी नज़र पड़ी एंड मैंने ले लिया। नाउ द थर्ड आइटम इज़ दिस शॉर्ट्स। लाइक आजकल ऐसे शॉर्ट्स का फैशन चला है, नी लेंथ तक की जो शॉर्ट्स होती है, नीचे से ये इस तरीके की है, समथिंग लाइक दिस, एंड बैक से ये ऐसी है, बॉटम से तो फुल रिप्ड है ये इस तरीके से। एंड येस, दिस इज़ सो कूल, सो नाइस। दिस इज़ ऑल्सो ऑन ओनली 200 रुपीज़। लाइक मेरे को आई थिंक हर एक बॉटम 200 रुपये में मिला था, इससे कम का बॉटम वहाँ पे नॉर्मली देते नहीं है। बहुत ही कम होता है कि जब आपको यू नो 200 से कुछ 100 रुपये या 50 रुपये में आपको कोई चीज़ मिले। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीस, बिकॉज ऐसे पीस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तो आपकी नज़र पड़ जाती तो आप ले लेते हो, अदरवाइज योर लक। सो येस, माई फोर्थ आइटम इज दिस पैंट। दिस इज़ हाई वेस्ट पैंट, ये सा हाई वेस्ट पैंट है एंड इसका फ्रंट में इस तरीके से इन्होंने टाई करने के लिए ये बेल्ट सी दी है एंड फ्रंट में जिप भी है और बटन भी है। यहाँ पे बैक में ऐसा कोई भी पॉकेट नहीं है, बट साइड में इन्होंने पॉकेट्स दी हैं इस तरीके से। और दिस इज़ अ फुल लेंथ पैंट, इस तरीके का फुल लेंथ पैंट है, पूरा स्ट्राइप वाला है एंड इट इज़ सो कूल। एंड ये भी मुझे 200 रुपीज़ में मिला था, आई रियली लव्ड इट, दिस इज़ सो कूल। ये वाला जो मैं आपको पैंट दिखाने जा रही हूँ, ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला था, दिस पैंट। सो दिस इज़ फुल कलरफुल, ये ना स्ट्राइप से पूरे अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लैक, येलो। तो ये दिस इज़ फुल कलरफुल, और यहाँ पे इसका इलास्टिक है, दिस इज़ इलास्टिक। फ्रंट पे ये इन्होंने दो नाड़े से दिए हुए हैं एंड येस, दिस इज़ फुल लेंथ। और इसका जो बॉटम है, इट इज़ समथिंग लाइक बेल बॉटम टाइप्स। तो ये पैजामे जैसा पैंट्स होते हैं ना आजकल, बड़े यू नो ट्रेंड में चल रहे हैं पैजामे जैसे पैंट्स, तो ये उस तरीके का पैंट्स है। और ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। इस पैंट के लिए मैंने काफ़ी लड़ाई करी थी उनसे, बिकॉज उन्होंने मेरे को बोला था आई थिंक 400 समथिंग, तो मैं ना 150 रुपये में अटक गई। मैं बोला मैं 150 रुपये नहीं दूंगी इस पैंट का। फोर टाइम्स ऐसा हुआ, उन्होंने बोला लास्ट बोल रहा हूँ 200 लेना है तो लो। मैंने बोला मैं भी 150 बोल रही हूँ, मैं अटक गई थी। फोर्थ टाइम उन्होंने मुझे वापस बुलाया और बोला ले लो यार, तो ये मैंने ले लिया वहाँ से। द नेक्स्ट आइटम इज दिस स्कर्ट। लाइक दिस इज सो प्रिटी, लाइक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही इतना अच्छा इसका मटेरियल है। और फ्रंट में इस तरीके से बटन्स दिए हैं, वेलवेट पूरा फील है। लुक एट द कलर, लाइक इट इज़ सो नाइस। बहुत क्लासी कलर होते हैं ना, वो कलर है इसका, बेबी पिंक टाइप्स में। पिंक भी ना बहुत डिफरेंट पिंक है। फ्रंट में कुछ ऐसे इसके ना पूरे ऐसे बटन्स है, लाइक ये पूरा ऐसे ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे इन्होंने बेल्ट के लिए लूप्स भी दिए, एंड फ्रंट में और बैक में दो दो लूप्स दिए बेल्ट के लिए। लाइक अगर आपको थोड़ा सा लूज है तो यू कैन यू नो बेल्ट भी लगा सकते हैं, या स्टाइल करने के लिए आप बेल्ट लगा सकते हैं। सो येस, ये भी मुझे 200 रुपये में मिला था। द नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो अ स्कर्ट एंड दिस इज ऑल्सो सो कूल। ये आप देखो, फुल प्रिंटेड है एंड दिस इज़ ऑल्सो इन अ वेलवेट फील, पूरा वेलवेट में इसका फील है इस स्कर्ट का। एंड इसका जो फिटिंग है ना, वो बहुत ही मस्त फिटिंग है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगी, आप देख लीजिए। लाइक इसका बहुत ही क्लासी फील दे रहा था ये स्कर्ट, और पीछे से ऐसा जिप है इसमें इस तरीके से, एंड पूरा ऑल ओवर ऐसे ही पूरा प्रिंट है। लाइक पूरा
ऐसा प्रिंट है. सो यस, ये भी मुझे 200 रुपये में मिला. लास्ट आइटम इज दिस शॉर्ट्स. सो इट इज़ इन अ डिवाइडर स्टाइल, लाइक फ्रंट से ये स्कर्ट लगता है एंड बैक से ये शॉर्ट्स है. आप देख रहे हैं पार्टीशन, और बीच में भी पार्टीशन है बट फ्रंट से शॉर्ट लगता है बिकॉज इन्होंने इस तरीके से इसका पैटर्न दिया है. वो रैपरॉन स्टाइल होते हैं ना, यहाँ पे नॉट बांधने वाला. सो यस, ये इन्होंने ऐसा दिया एंड ऊपर से इलास्टिक है. इट हैज़ अ वेरी गुड फिट और ये अर्बन आउटफिटर्स का है. सो ये भी मुझे 200 रुपये में मिला था. मेरे पूरे बॉटम्स और ज्वेलरी ख़त्म हो चुकी है एंड पार्ट वन एंड पार्ट टू सरोजनी नगर का फिनिश हो चुका है. एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड मैं बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाली हूँ वापस से, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वापस से सरोजनी नगर टूर एंड सरोजनी नगर के हॉल वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी. प्लीज़ बोर मत होना, बिकॉज मेरे को तो बहुत ही अलग प्यार है, और जो जो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ ना, मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है. सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरा ये सरोजनी नगर हॉल पसंद आया हो, लाइक पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों पसंद आए हो. अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट नाउ, बिकॉज वहाँ पे भी ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए हैं. आपको भी क्रेविंग होगी कि आप जाएं सरोजनी नगर और वहाँ से चीज़ें उठा के लेकर आएँ. सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आपको पता क्या करना है, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.